माशाल्लाह थे जनाब हुसैनी रिजवी साहब, चार मिसो से आगा को दावे देता हूँ कि ताकत जुबा में दिल भी वफादार चाहिए, ताकत जुबा में दिल भी वफादार चाहिए, उस जिक्रे अली में जुर्रत इजहार चाहिए। तो ये मिंबरे रसूल सदा दे रहा है आज, मुझको खतीब साहिब किरदार चाहिए। आई आज़ादी मिनसो के बाद मैं दावत सुकन देता हूँ हमारे मेहमान आली मदीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा ज़मीर अब्बास जाफरी साहब को कि रौनक अकरोज मिंबर हुकम सबके कलूब को अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुनव्वर कर आप हज़रत आवाज़ बुलंद सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद रहम अल्लाह मन क़रअ अल फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام المهدي جل الله تعالى فرجه الشريف إنا لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة صلوات پر دے محمد وآل محمد أعزائي گرامی आज हमारी तीसरी मजलिस है। पहले दो दिन हमने कोशिश की कि कुछ मफाहीम को आप तक पहुंचाने की। सबसे पहले ये कि फ़लसफ़े मुश्किल क्या है, ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं, इम्तिहान का होना क्यों ज़रूरी है, और बीबी की ज़िंदगी से दर्स हमें लेना है कि सख्तियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, हमें मुश्किलों के लिए तैयार होना है, इम्तिहान देने के लिए तैयार होना है। इम्तिहान का होना ये सुन्नत इलाही है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जो चीज़ की जा सकती है वो ख़ुद को तैयार करना इमाम के लिए, इम्तिहान के लिए। उसके बाद हमने गुफ्तगू ये की कि इम्तिहान से जो एक चीज़ इम्तिहान में मदद करती है वो मादा सब्र है, कि जिसमें इंसान अगर अपने ज़ात के अंदर सब्र को अगर बढ़ा ले तो इंसान मुश्किलों का मुकाबला कर सकता है। और सब्र यानि बुजदिली नहीं है, सब्र यानि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए इंसान कोशिश और तलाश करे, मेहनत करे, और जो दर्द उसे और तकलीफ़ उस मुश्किल जो उसे उस मकसद तक पहुंचाने के लिए आए उस मुश्किल पर सब्र करे, उसे सब्र कहते हैं, उस पर उसे तहम्मुल करे, उसको हम सब्र कहते हैं। कल गुफ्तगू ये भी हुई कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो किरदार है, जो खुद खुसूसन अहले बैत के चाहने वालों का किरदार है, इसमें इल्म की अहमियत कितनी है और हमारे यहाँ हमें आलिम होना कितना ज़रूरी है अगर हम अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं। उस मुस्तकबिल को बदलने के लिए मेहनत ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है, तलाश ज़रूरी है, मेहनत और लगन के साथ, इरादे के साथ इंसान अगर मैदान में उतरे तो खुदा का लुत्फ़ और करम यकीनी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो कल यहाँ तक आपके सामने गुफ्तगू हुई थी कि हम, हमारी कौम, हमारा मुस्तकबिल जिस चीज़ पे दारोमदार इन चीज़ों का है वो ये है कि हम इल्म हासिल करें। और मौलाए कायनात की हदीस कल आपके सामने पेश की थी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले, हदीस पेश की थी कि जिसमें मौलाए कायनात ने कहा था इल्म सुल्तानुन, इल्म कुदरत है, जिसने इल्म हासिल किया वो गालिब होगा और जिसने इल्म हासिल नहीं किया वो मगलूब होगा। तो हमें अगर गालिब बनना है, क्योंकि इमाम के ज़हूर के लिए जब तक हम गालिब ना हो, जब तक हमारी कुदरत हमारे हाथों में ना हो, तब तक हम इमाम की कुदरत, इमाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर शेख ज़कज़की हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद हम मोमिनीन ने उनके साथ क्या किया, क्या हमने उनकी खिदमत कर पाए?
क्यों वो रुक नहीं पाए? इसलिए रुक नहीं पाए कि हम तैयार नहीं थे। एक तरफ नाइजीरियन गवर्नमेंट थी जिसके पीछे कई एम्बसीज उनके साथ थी, सऊदी की, इसराइल की, और कई एम्बसीज ने एक तरफ से प्रेशर लगाया था उनके ऊपर, हत्ता उनकी तौहीन की गई हॉस्पिटल में। लेकिन हम हिंदुस्तान में इतनी बड़ी शिया आबादी और शिया तादाद होने के बाद हम क्या कर सके? हम कुछ नहीं कर सके। ये निशानदेही इस बात की है कि हम तैयार नहीं हैं ज़हूर के लिए। छिकझकझकी आए, हम कुछ नहीं कर सके। खुदा ना करे ऐसा ना हो कि इमाम भी इस तरीके से आए और हम कुछ ना कर सकें, बेबस हम बैठे रहें। तो ये निशानदेही थी कि हम तैयार नहीं हैं। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं, इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। यानी अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो हमेशा करते रहे हैं, तो हमेशा वही नतीजा मिलेगा जो हमेशा नतीजा मिलता रहा है। तो अगर आपको अपने नतीजे को, अगर आप अपने नतीजे को पसंद नहीं करते, तो क्या चेंज करना है? उस चीज को चेंज करना है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि सेम रास्ते पे चलोगे तो सेम मंजिल पे पहुंचोगे। तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम गैबत के ज़माने में तैयार नहीं हैं और हमें तैयार होना है। जो हमारी मुश्किलात हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि उनकी तरफ जाऊं। लेकिन जवानों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि जो पैटर्न पे हम चल रहे हैं, ये पैटर्न ज़हूर का पैटर्न नहीं है। जब तक हम कुदरत और कुव्वत को अपने हाथ में न लें, सलाहियत को अपने हाथ में न लें, जब तक जो है हम हिंदुस्तान में वाकई कुछ कर नहीं सकते, अपने इमाम के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये हकीकत है जिसे हमें कबूल करना होगा। अजदाने गिरामी, मुश्किल आए तो कबूतर की तरह आँख बंद कर लेने से मुश्किल ख़त्म नहीं हो जाती। इंसान उस वक्त कुछ देर के लिए हो सकता है मुश्किल को ना देखे, लेकिन मुश्किल ख़त्म नहीं होती। हमें एहसास करना होगा कि ज़माना है, मुश्किलें हैं, हमें कुव्वत और कुदरत हासिल करनी है। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरीके से बेबस रहेंगे और दर बदर भटकते रहेंगे। बातिल ताकतों का सहारा वो लेता है जो खुद कुदरतमंद नहीं होता, खुद ताकत नहीं होती, खुद इत्तेहाद नहीं होता। अहले बैत ने तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी भी बातिल ताकतों का सहारा नहीं लिया। बस अज़ाने गिरामी, इस बात को मैं यहीं रोकना चाहता हूं। मैं अगली बात जो है, क्योंकि चार मजलिस पढ़नी है, यहां तक मैं जवानों को जो पैगाम देना चाहता था वो ये है कि इल्म हासिल करें, मेहनत करें, कुदरत हासिल करें, और इसे अपनी दीनी जिम्मेदारी समझ के करें। जिस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, दीगर चीज़ें हैं, उसी तरीके से आप इसे समझें। आज आपके सामने जो गुफ्तगु पेश करनी है वो ख़वातीन के हवाले से है। अज़ीज़ाने गिरामी, जो हदीस मैंने ज़िक्र की उसके अंदर इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए बीबी जो हैं उसवा हसना है, रोल मॉडल है। हमारी मुश्किल ये है कि हमने अहले बैत को वाकई तौर पर अपने लिए रोल मॉडल नहीं बनाया। हम अहले बैत की तरह जिंदगी बसर नहीं करना चाहते, उनकी तरह नहीं बनना चाहते। एक तो हमने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है, वो कह के कि वो कहां और हम कहां। इसके पहले दिन मैंने बयान किया था, उनके रुतबे पे कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन रास्ता वही है। हमने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, क्यों? उसवे हसना नहीं माना। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, एक्सीडर यूनिवर्सिटी में यूके में एक पीएचडी रिसर्च डॉक्यूमेंट किसी ने लिखा, उसने कहा
कि ये जो रोल मॉडल का टॉपिक है इस पे पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज़्यादा पीएचडी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। ये टॉपिक इतना अहम है, दुनिया में रिसर्च हो रही है रोल मॉडल के टॉपिक के ऊपर। रोल मॉडल एक ऐसी चीज है, नमूने अमल एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को जरूरत है। हर इंसान जो है वो किसी न किसी को फॉलो और कॉपी करता है। मिसाल के तौर पर रोल मॉडल की एक किस्म है अपीयरेंस में रोल मॉडल, जाहिर में रोल मॉडल। इंसान जिस तरीके का लिबास पहनता है, जिस तरीके से वो बाल बनाता है, जिस तरीके से वो अपने जाहिर को किसी के सामने पेश करता है, कॉन्शियसली या जान पूछ के या सब कॉन्शियसली बगैर जाने वो किसी न किसी की तरह खुद को बना रहा होता है। अपीयरेंस में, अपने अतराफ में, दोस्तों में, मूवीज में, मीडिया में, किसी न किसी को इंसान सब कॉन्शियसली अपने अपीयरेंस को उसके अपीयरेंस से मिला रहा होता है। और पूरी ब्रांडिंग इंडस्ट्री जो बनाई गई है, वो ब्रांडिंग इंडस्ट्री, ब्रांड एम्बेसडर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसान जिसको मानता है, जिसको सेलिब्रिटी मानता है, इंसान चाहता है उसकी तरह लिबास पहने, उसकी तरह अपने जाहिर को बनाए। अजीजाने गिरामी, अपीयरेंस के ऊपर जाहिर को तब्दील करने के लिए पिछले 100 सालों में इंसान जितना अपने जाहिर को इंसान ने तब्दील किया है उतना पिछले 1000 सालों में तब्दील नहीं किया। जितना इंसान का जाहिर पिछले 100 सालों में तब्दील हुआ है उतना 1000 सालों में तब्दील नहीं हुआ। अभी मैं बयान करूंगा। छोटी बच्ची जब होती है उसके हाथों में एक खिलौना दे दिया जाता है जिसे बार्बी डॉल कहते हैं। जानते हैं बार्बी डॉल है ना? बार्बी डॉल कैसी दिखती है? गोरी, गोल्डन बाल, पतली। बचपन से, ये रिसर्च बता रहा हूं, यूके में एक रिसर्च हुई है, बचपन से बच्चों के जहन में अपीयरेंस के हवाले से, जाहिर के हवाले से ये डाल दिया जाता है कि खूबसूरत बनना चाहते हो तो बार्बी डॉल की तरह बनो। बचपन से उसे रोल मॉडल दिया जाता है, उस रोल मॉडल का नाम बार्बी डॉल है जिससे बच्ची बड़ी होती है। एक रिसर्च हुई यूके में, द गार्डियन न्यूज़पेपर में ये रिसर्च छपी जिसके अंदर ये बताया गया कि जो बच्चियां बार्बी डॉल इस्तेमाल करती थीं और उनका रंग गोरा नहीं होता था, जब वो बड़ी होती थीं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। एक बड़ी तादाद की बच्चियों के अंदर, यूके के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी का रीजन ये था कि बचपन से उनके उनको जो खिलौना दिया गया वो खिलौना हमेशा गोरा, पतला और गोल्डन बाल वाला होता। ये क्या कर रहे हैं? ये बचपन से बच्चे के जहन में डाल रहे हैं, देखो तुम्हें ऐसा बनना है। रोल मॉडल क्रिएशन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, आपके बच्चों के जहन में कार्टून्स के जरिए से उनके जाहिर को तब्दील किया जा रहा है। मैं भी उस पर सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहता हूं, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। बस पहली चीज है जाहिर में रोल मॉडल किसी को बनाना। एक एक करके मैं सब चीजों को आपके सामने रखूंगा, अपीयरेंस रोल मॉडलिंग। दूसरी चीज जो है रोल मॉडलिंग के अंदर आती है वो है कि बिहेवियर में रोल मॉडल। इंसान
जो उसका बिहेवियर होता है वो अपना बिहेवियर अपने अतराफ में अपने दोस्तों के दरमियान देखता है, इसका अच्छा है, इससे ये चीज़ ले लेता है, उससे वो चीज़, उससे वो चीज़। इंसान जो अतराफ में लोग रहते हैं उनके बिहेवियर को कॉपी करता है। ये बहुत बार कॉन्शियसली होता है, जानबूझ के इंसान कॉपी करता है, बहुत बार सब कॉन्शियसली। इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है, खुदा ने इंसान की फितरत को ऐसा बनाया है, इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है, इंसान जिसमें कमाल देखता है, इंसान चाहता है वो कमाल मेरे अंदर भी आ जाए। तो इंसान अपने बिहेवियर को, जो उसका बिहेवियर है, उस बिहेवियर को, रफ्तार को, अपनी सुलूक को किसी न किसी से कॉपी कर रहा होता है। इसी तरीके से किरदार में, अगर आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइज्जत हैं, बाशरफ हैं, खुश अख्लाक हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, जिनका किरदार बुलंद है, तो ख़ानदान के तमाम बच्चे उस शख्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं मुझे इस जैसा बनना है। लेकिन उसी ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बद किरदार हैं, जालिम हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके पास ज़ाहिर तौर पर ताकत और पैसा है, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव रोल मॉडलिंग की वजह से उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं। रोल मॉडलिंग सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, रोल मॉडलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। कुरान में दोनों जिक्र है, पॉजिटिव रोल मॉडल भी बयान किया खुदा ने, नेगेटिव रोल मॉडल भी खुदा ने बयान किया कुरान में। बस किरदार में किसी को रोल मॉडल बनाना, इंसान जहां रहता है अपने अतराफ में, सोसाइटी में, हमेशा ये करता रहता है, किसी ना किसी को इमिटेट करता रहता है, एम्यूलेट करता रहता है, कॉपी करता रहता है। इसके बाद आइडियोलॉजी में रोल मॉडल, इंसान अपने अतराफ में, दोस्तों में जो उसकी आइडियोलॉजी बनाता है, वो ऐसे लोगों के साथ रहता है सुबह से शाम तक बोलते हैं छोड़ यार दीन वीन की क्या बात करते हैं, आज़ादी होना चाहिए, इन्जॉयमेंट होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, ये सब क्या तुम हमेशा हमेशा कैद की बात करते हो, हमेशा ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, छोड़ो ये सब यार। आहिस्ते आहिस्ते इंसान वैसा ही बन जाता है। आइडियोलॉजी, तवज्जो कीजिएगा, हम जिस मुल्क में रहते हैं कुछ लोग झूठ बोल के कामयाब हो जाते हैं, झूठ की बुनियाद पे सियासत करते हैं, धोखे को अच्छा समझते हैं। आहिस्ते आहिस्ते हमारे दरमियान गुफ्तगू होने लगती है, कामयाब तो है ना, उनकी आइडियोलॉजी को अपने लिए रोल मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारे दीन के मुताबिकत में हो या ना हो। कभी कभी इंसान अपना मकतब, अपनी आइडियोलॉजी किसी से ले रहा होता है, उससे ले रहा होता है जिसकी आइडियोलॉजी बातिल है, लेकिन वो इतने जाहिर तौर पर इतने खूबसूरत नारे लगा के दे रहे होते हैं कि इंसान उन नारों में धोखा खा जाता है। तो इंसान या तो खुद उसकी नफ्स इतनी बुलंद हो कि वो तमाम चीज़ों का मुतालिया करके खुद फैसला कर सके, वगरना इंसान कॉपी करना शुरू कर देता। बस रोल मॉडल एक बहुत गहरा और बहुत अमीक टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें नहीं समझ में आया सही रोल मॉडल क्या है तो हम गलत रोल मॉडल को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और आहिस्ते आहिस्ते हमारी हुवियत, हमारी आइडेंटिटी पूरी खत्म हो जाएगी। बस और बयान नहीं करना, दूसरी और चीजें थी लेकिन उनको रोक के, आज जिस जात पर सबसे ज्यादा हमला है वो जात औरत है, क्योंकि अगर औरत को बेगैरत बना दो तो पूरे समाज को तुम बेगैरत बना दोगे, औरत को तबाह कर दो तो समाज को तबाह कर दोगे। औरत समाज की रूह है, औरत खत्म तो समाज खत्म। इसलिए तवज्जो से सुनिए जाने गिरामी, इसलिए जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया के अंदर, और दुनिया ने कहा कि तरक्की होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तरक्की और आज़ादी और ये सब गुफ्तगू होना शुरू हुई। उससे पहले औरत खुश थी, आज औरत खुश नहीं है, मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा। औरत को क्योंकि इन्हें ज़रूरत थी, वर्ल्ड वॉर में लोग मरे, लेबर्स नहीं थे, तो इन्होंने औरत को आज़ादी और फेमिनिज़म के नाम से औरत को जो वेस्ट में यूके यूएस और यहाँ दूसरी कंट्रीज़ में यूरोप में जो औरतें घर में रहती थीं उन्हें बाहर निकाला फेमिनिज़म के नाम पर, और कहा औरत और मर्द इक्वल हैं। नारा तो बहुत अच्छा है, औरत और मर्द इक्वल हैं। अभी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, क्या मर्द और औरत वाकई में इक्वल हैं या नहीं है, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन्होंने नारा लगाया और औरतों को कहा कि तुम्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, तुम्हें इल्म मिलना चाहिए, तुम आओ मैदान में आओ पढ़ाई करो वगैरह वगैरह वगैरह, और औरतों को बाजार में ले आए। पहले इन्होंने गुफ्तगू की कि औरतों को आज़ाद होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी की बात करके, कि औरत और मर्द जेंडर में इक्वल हैं। अब यूरोप और अमेरिका में बात हो रही है जेंडर फ्रीडम की, कि औरत, पहले इन्होंने शुरू किया कि तुम क्या हो, इक्वल, उन्हें बाहर ले आए। अब बाहर आ गई औरत तो वो कहते हैं कि तुम्हें जेंडर फ्रीडम चाहिए, यानी क्या, यानी औरत या मर्द होना कोई अहमियत नहीं रखती, अब इससे तुम आज़ाद हो जाओ कि तुम औरत हो या मर्द हो, यानी अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दो। अमेरिका और यूरोप में इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है, जेंडर फ्रीडम। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो यूरोप की तरक्की याफ्ता जाहिर तौर पर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अब रूल पास हुआ है कि 7 साल तक आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि वो ही है या शी है, यानी लड़का है या लड़की है, 7 साल तक नहीं कह सकते। 7 साल के बाद बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि वो लड़का है या लड़की है। कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, तबाह कर दिया इस समाज को, इंसानियत को। जितना 100 साल में इंसानियत को तबाह किया गया है उतना 1000 साल में नहीं किया गया। मैं भी आपके सामने आमार पेश करूंगा कि ये मौलाना जज्बात में आए कि अमेरिका की मुखालफत में बोल रहे, नहीं, आपको आमार से साबित करूंगा जो मैं कह रहा हूं। अजीजाने गिरामी, तवज्जो कीजिए कि जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं, सबसे पहली चीज यह है कि औरत की जात के ऊपर हमला किया जाए, औरत को कहा जाए तुम क्या ये हिजाब पहनती हो, व्हाई यू सो बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स, फ्रीडम, आओ बाहर, बाहर आके क्या करूं, बाहर आके अपने जिस्म को वसीला बनाओ अपनी कामयाबी के लिए। खूब आए इस्लामी नुक्ते निगाह से समझते हैं, थोड़ा मैं वक्त लूंगा आप लोगों का आज, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बात जो है मुकम्मल आपके सामने पेश करूं। सबसे पहले तो ये तवज्जो कीजिए, कुछ हमारे समाज में भी जाहिल मौजूद हैं जो औरतों को कमतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अहले बैत से सीरत नहीं ली, दूसरे मजहबों से सीरत ली हमने। तवज्जो कीजिए कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है इसमें औरत का कोई रोल नहीं है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, औरत का कोई रोल नहीं है। औरत अपनी तरफ से जो चीज़ हदिया करती है वो एक्स है, मर्द ने अगर एक्स दिया तो क्या होगा, लड़की होगी, और अगर लड़के ने वाय दिया तो क्या होगा, लड़का। लड़की अपनी तरफ से कांस्टेंट है, एक्स देती है वो, अगर लड़का हुआ वो भी लड़के की वजह से, लड़की हुई वो भी लड़के की वजह से,
ये जाहिल फिक्र को निकाल दो कि मेरी बीवी से मुझे लड़की नहीं हो रही, लड़की बीवी नहीं दे रही, आप दे रहे हो। ये जाहिलाना फिक्र है। और अगर लड़की है तो खुशहाल हो। वो समाज और हैं जहां पर लड़कियों के होने पे लोग कराहते हैं, बुरा मानते हैं। हमारा समाज तो वो है कि लड़की आती है तो एक दूसरे को खुशी से कॉल करते हैं, कहते हैं हमारे घर में खुदा की रहमत आई है। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या अली, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो से सुनिए, ये जो हमें हमारे समाज में आई हैं कुछ लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारे समाज में, 95% ये मुश्किल नहीं है। बच्चियों को प्यार किया जाता है, चूमा जाता है, बच्चियों के लिए वही चीज़ लाई जाती है जो बच्चों के लिए लाई जाती है। आज से कुछ 100 साल पहले इंग्लैंड में एक किंग था, उसका नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी ने अपनी वाइफ कैथरीन का कत्ल इसलिए करवा दिया क्योंकि वो बच्चा नहीं दे पा रही थी जो लड़का है। हमें तो लगता है वो तो बहुत मॉडर्न है और हम जो हैं नहीं। मैं आपको आज साबित करूंगा कि वो कितने पस्त हैं, साबित करूंगा मैं। इंग्लैंड का किंग था, उसने अपनी बीवी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के इसके लिए उसको मरवा दिया किंग हेनरी ने, क्योंकि वो लड़की, वो जो औरत है वो क्या नहीं दे पा रही थी, उसे लड़का नहीं दे पा रही थी। अजीजाने गिरामी, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसकी बेटी फातिमा थी, और सल्लल्लाह मोहम्मद, और नस्ल नबी इस दुनिया में कौसर और कसरत के उनवान से पाई जाती है, जिस जात मुकद्दसा से है वो फातिमतु जहरा है। लड़की थी, खातून थी, तो हम कभी भी खातून से बगैर इज्जत शरफ कमाल के गुफ्तगू ही नहीं करते। अब सुने, इस्लाम ने औरतों को वो तमाम हुकूक दिए जो इंसान के लिए जरूरी थे। हमारे यहां हुकूक मर्द नहीं देते, खुदा देता है। मर्द हमारे यहां हुकूक नहीं देते, खुदा देता है। सुने, जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, इंग्लैंड, लंदन और अमेरिका, बस किसी तरीके, सुने कितने पस्त और कितने पस्त थे ये लोग। 25 मार्च 1964 इसमें इनका एक कानून रिवाइव होता है। ये कानून शुरू होता है 1870 में, यानी तवज्जो से सुनिए खुसूसन ख्वातीन, 1870 तक इंग्लैंड में अगर औरत कोई चीज कमाती थी या औरत की जो जायदाद और प्रॉपर्टी होती थी वो औरत के नाम पर नहीं हो सकती थी, या तो उसके शौहर के नाम पे होती थी या तो उसके बाप के नाम पर होती थी। यानी औरत को इस लायक नहीं समझते थे ये लोग कि औरत कोई चीज को पजेस कर सकती है, कोई चीज को की मालिक हो सकती है। यानी हक के मालिकियत 1870 में पहली बार इंग्लैंड में मतरा होता है। मैं 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 1870 की बात कर रहा हूं। ये इनके यहां हालत थी। खूब, इनके यहां जो हालत थी, औरतों पे जो जुल्म था, तो इन्हें जरूरत थी कि औरतों को हुकूक दिए जाएं। हमारे यहां ये हालत नहीं थी, हमारे यहां कुरान मौजूद था। इनके यहां जुल्म था, हमारे यहां कुरान था। इनके यहां तारीकी थी, हमारे यहां नूर था। सुने, कुरान मजीद में कहता है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसा नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। खुदा ने इनके कानून बनाने से 1400 साल पहले कानून बना दिया था कि जो औरतें कमाएंगी वो औरतों का हक होगा, जो मर्द कमाएंगे वो मर्द का हक होगा। यानी हक के मालिकियत, द राइट टू ओन एंड पजेस, ये राइट इन्होंने अभी दिया है, इस अल्लाह ने औरतों को तब से दिया था। तवज्जो कीजिए,
इर्स की बात करते हैं, कहते हैं औरतों का इर्स आधा क्यों है। खूब, हमसे आप बाद में बात करना, पहले तो ये बताओ कि 1400 साल से तुम तो इर्स तो छोड़ो, औरतों को कुछ नहीं देते थे। अब तवज्जो कीजिए, इस्लाम में हुकूक, हक, औरतों का हक कितना है। इस्लाम में हक, जो ड्यूटीज, जो इंसान के राइट्स होते हैं, हक होता है, वो किस चीज से मुतनासिब होता है। वो मुतनासिब होता है, प्रोपोर्शनल होता है ड्यूटी से। यानी क्या? यानी ये कि अगर मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूं तो मेरा हक क्या है? मेरा हक है कि कॉलेज में पढ़ाई करूं, लाइब्रेरी यूज करूं, प्लेग्राउंड यूज करूं, कॉलेज में एंट्री करूं, ये सब मेरा हक है। लेकिन ये मेरा हक कब है? जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट होने की जिम्मेदारी को अदा करूं, मैं जिम्मेदारी अदा करूं, मैं कॉलेज ना जाऊं, फीस ना भरूं, क्लास नहीं अटेंड करूं, कुछ भी ना करूं और मैं कहूं नहीं मुझे सिर्फ हक चाहिए। इस्लाम कहता है, अक्ल कहती है कि हक और जिम्मेदारी मुतनासिब है। जिसका उसी कॉलेज में प्रिंसिपल का जो हक है वो स्टूडेंट के हक से ज्यादा है, है या नहीं? प्रिंसिपल को कल लगा कि ये स्कूल जो, ये क्लास जो है, ये FYBA की क्लास थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स की पहली ईयर की क्लास थी, इसको यहां से हटा के मैं यहां कर दूं, कर सकता है प्रिंसिपल? कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना? कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना? क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रिंसिपल है, इसका हक ज्यादा है। खूब, हक ज्यादा क्यों है ये भी सवाल। हक ज्यादा क्यों है? हक ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसकी जिम्मेदारी है तमाम कॉलेज को चलाने की। बस जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतने ज्यादा हुकूक। खुदा ने मर्द को जिम्मेदारी दी नानो नफके की। मर्द की जिम्मेदारी है घर पे नानो नफका पहुंचाना, इसलिए मर्द की जिम्मेदारी के हिसाब से उसके हुकूक भी ज्यादा रखे। जो औरत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं रखी नानो नफका लाना, औरत के पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी इनकम है, वो उसकी खुद की है, चाहे तो दे लुत्फ और रहम की वजह से, चाहे तो खुद रखे ना दे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मर्द की है। तो इर्स में मर्द को आधा, औरत को आधा क्यों मिलता है? औरत को आधा इसलिए मिलता है क्योंकि औरत की जिम्मेदारी नहीं है घर को चलाना, मर्द की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक खुदा हक देता है। वाज़े है, हक, राइट्स और ड्यूटीज प्रोपोर्शनल होते हैं। पूरी दुनिया में आपको मिलेंगी वुमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स, गे राइट्स, सब राइट्स मिलेंगे। पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी ड्यूटीज वाली कि भाई औरतें, तुम्हें यह भी बताया जाएगा ये तुम्हारे हुकूक हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हैं। पूरी दुनिया को इस तरीके से बनाया गया है कि हर इंसान सिर्फ हक की बात करे, जिम्मेदारी की कोई बात ना करे। तो समाज में क्या होगा? क्योस होगा। हर इंसान लेने की बात कर रहा है, देने की कोई बात नहीं कर रहा। वाजे, बस तवज्जो से सुनिए कि वेस्ट जो अपने आप को आइडियल बता रहा है, हमारी खवातीन भी हॉलीवुड बॉलीवुड की दो चार मूवीज देखती हैं तो उन्हें भी लगता वाह हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? रिसर्च नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, समझते नहीं है। मैं इंशाल्लाह उसको वाजे करूंगा आपके सामने। अज़ाने गिरामी, सबसे पहली तो ये चीज सुने, नफ्स होने के लिहाज से, रूह होने के लिहाज से इंसान मुजर्रद है। यानी क्या? यानी इंसान मटेरियल नहीं है। आप बैठे हैं, आपकी रूह है, कहां पर है? जिस्म में, कौन से हिस्से में?
कौन से हिस्से में? रूह मुजर्रद है, मादा नहीं है, मटेरियल नहीं है। इसलिए रूह जो इंसान की है वो ना मर्द है ना औरत है। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो कहा नफख तो फी है मिन रूही, मैंने आदम के पुतले में अपनी रूह को फूका। यानी कौन सी रूह को फूका खुदा, मेल थी या फीमेल? खुदा की रूह ना मेल है ना फीमेल है, मुजर्रद है। मादे और मटेरियल जो चीजें हैं, कानून हैं, उससे ऊंची है। बस इंसान इंसान होने के लिहाज से मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। मर्द और औरत इंसान होने के लिहाज से, यानी इंसानी कमाल और फजीलत को अगर जहन में रखा जाए तो मर्द और औरत दोनों के लिए खुदा ने कमाल और फजीलत के गोल्स को रखा है। खुदा कुरान में कहता कद अफलाह मन ज़क्काहा, इंसान के लिए क्या गोल है? वो जो सबसे ज्यादा कामयाब है वो कौन है? वो है जो अपने नफ्स को पाकीजा बना ले, मर्द हो या औरत। यानी इंसान होने के लिहाज से नफ्स ना मर्द है ना औरत है। जब ये नफ्स और रूह जिस्म से ताल्लुक रखती है तब इंसान मर्द और औरत बनता है। और जिस्म का ताल्लुक इस दुनिया से है, जब इस दुनिया से कब्र में उतार दिया जाता है तो जिस्म अलग हो जाती है, रूह अलग हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में कानून जो है वो जिस्म और रूह से मुतकाबिल है। आयतुल्ला मिसबा यजदी एक्सप्लेन करते हैं जिस्म और रूह का, माजरत थोड़ी सी शायद गहरी बात हो रही है, एक सलवात का सहारा दे दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जिस्म और रूह का रिश्ता क्या है? आयतुल्ला मिसबा यजदी कहते हैं जिस्म और रूह का रिश्ता ऐसा है जैसे पेन और इंक का होता है। पेन और इंक का रिश्ता कैसा होता है? इंक आप पूरी कागज पर उंडेल दें तो आपने क्या लिखा? बहुत सारी इंक थी, बहुत ज्यादा लिखना चाहिए था ना? नहीं, आपको यह पता चलेगा कि इंक एक कलम की मोहताज होती है, असल इंक होती है। पेन बगैर इंक के लिख नहीं सकता, लेकिन इंक भी बगैर पेन के कुछ लिख नहीं सकती। असल इंक की तरह वो रूह है, लेकिन वो रूह मोहताज है जिस्म की। ये जिस्म जब तक जिंदा था नेकी कर सकता था, जिस्म खत्म हो गया रूह कुछ नहीं कर सकती। जिस्म और रूह का राबता ऐसा है। बस वो जो नफ्स है हमारी, वो ना मर्द है ना औरत है, मावरा है इन चीजों से। खूब अजाने गिरामी तवज्जो कीजिएगा, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में 6,30,00,000 लड़कियों को मां के पेट में मार दिया गया। 6,30,00,000 गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा पढ़ रहा हूं। यानी ईरान की हुकूमत या ईरान की गवर्नमेंट में तकरीबन 8,00,00,000 लोग हैं। यानी तकरीबन ईरान की पूरी पॉपुलेशन के बराबर लड़कियों को हमारे मुल्क में आज जिंदा होना चाहिए था, जिन्हें कत्ल कर दिया। तो रसूल अल्लाह ने जब दीन लाया, रसूल अल्लाह से पहले यही जहालत मौजूद थी। रसूल अल्लाह ने इंसान को बुलंद कर दिया ये तालीम देके, देखो मेरी बेटी जब आती है तो मैं किस तरीके से इस्तकबाल करता हूं। असर क्या हुआ? असर यह है कि आज पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर खुदा का शुक्र है ये बीमारी मौजूद नहीं है। और काश हमारे मुल्क में मुसलमान होते ज्यादा और यही लोग रसूल की इत्तबा करते तो आज हमारे मुल्क में 6,50,00,000 बच्चियां, माएं, बहनें, बेटियां जिंदा होती।
मर्डर हुआ है इनका, इसलिए मर्डर हुआ है क्योंकि फिक्र जाहिल अभी भी मौजूद है। वो जहालत रसूल अल्लाह जिसको खत्म करना चाहते थे, वो जहालत आज भी मौजूद है। हमारे मुल्क में नहीं बताया जाता बच्चा माँ बच्चा पेट में लड़का है कि लड़की है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इस लायक नहीं समझते कि क्योंकि तुम लड़कियों के एहतराम के काबिल नहीं हो, इसलिए नहीं बताते। खुदा का शुक्र है कि हमारी कौम में और मुसलमानों में ये बीमारी और ये जरासीम सबसे कम है। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वहां पर ये सबसे कम पाया जाता है, और जहां इस्लाम मुखालिफ ताकतें जितनी ज्यादा हैं वहां पर इसकी शिद्दत सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी इस्लाम मुखालिफत तुम्हें यही एनर्जी देता है, औरतों की इज्जत ना करो। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जो चीज आपके सामने पेश करना चाह रहा था वो ये है कि औरत, इस्लाम ने औरतों को इज्जत और शरफ बख्शा। वो औरत जिसको ये दुनिया जो है जुल्म में मुब्तला कर रही थी, और इस्लाम ने आके उस औरत को इज्जत शरफ और मंजिलत बख्शी। इस हद तक इज्जत बख्शी कि इस हद तक इज्जत बख्शी कि रसूल के इमाम जमाना कहते हुए नजर आते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद, इन लिफीबनत रसूलिल्लाह, जो मैंने हदीस पढ़ी कि इतनी शरफ बख्शी के वक्त का इमाम एक औरत को कहते हुए नजर आता है कि ये मेरे लिए उसवा हसना है। इतनी शरफ बख्शी खुदा ने। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जो चीज है ख़वातीन को जिस तरीके से नारे लगा के कंफ्यूज किया जाता है, अगर ख़वातीन स्टडी करें मालूम करें तो उन्हें पता चलेगा क्या हालात हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले कि अमेरिका और इंग्लैंड और लंदन में सब चीज़ जो है रोज़ी रोज़ी नहीं है। वहाँ पर सब चीज़ें, कि हमें तो ऐसे ही लगता है कि सब चीज़ें वहाँ पर जो हैं बहुत अच्छी हैं। सुने, अमेरिका में हर 8 में से एक खातून डिप्रेशन का शिकार है। ये उनके ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। डिप्रेशन यानी एंजाइटी, या वो टैबलेट्स लिए बगैर रात को सो नहीं पाती हैं। हमारी ख्वातीन तो अल्हम्दुलिल्लाह सोती हैं, खुदा ना करे कुछ खर्राटा लेके भी सोती हैं, रिलैक्स्ड इंजॉयमेंट के साथ, कोई फ़र्क नहीं, दिन भर मेहनत की है खुदा की राह में, रात को वो थकन की वजह से नींद को एंजॉय करती हैं। जो कॉजेज बताए गए डिप्रेशन के अमेरिका में, ये मैं बता रहा हूँ, मौलाना अमेरिका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हमारे जहनों में उनकी गंदगी वाजे हो जाए, ताकि हमें पता चले कि जब भी जहाँ कूड़ा और कचरा होता है वहाँ से सिर्फ बीमारी और बदबू ही आता है। आप समझ जाएं कि वहाँ कूड़ा कचरा है, और मैं जज्बात में नहीं स्टैटिस्टिक्स के साथ पढ़ रहा हूँ ताकि आपके लिए वाजे हो जाए। अमेरिका में जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उसके अंदर बताया गया क्या रीजंस हैं, कॉजेज बताए गए हैं, तो उसके अंदर हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स औरतों का मर्दों के मुकाबले पे ज़्यादा होता है, अपनी बॉडी इमेज को लेके, अपने जाहिर को लेके कि मैं कैसी दिख रही हूँ, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, और जो हमारे मुल्क में भी सोशल मीडिया के ज़रिए से लाया जा रहा है, अभी इंशाल्लाह बात करूँगा। मदरहुड, माँ होना उनके लिए स्ट्रेसफुल है, माँ होना उनके लिए स्ट्रेस का रीज़न है, और कई रीजंस हैं। अमेरिका में जब पूछा गया, सर्वे किया गया कि खातून आज़ाद है ना भाई, कितनी आज़ाद औरत है, आज़ाद औरत तो खुश होना चाहिए। पूछा गया, सर्वे किया गया, तो ऑफिशियली बताया गया कि हर 5 में से एक खातून कहती है जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे ऊपर जिंसी हमला हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस मेरे साथ जिंदगी में कम से कम एक दफा मेरे साथ हुआ है। हर 68 सेकंड में अमेरिका में रेप अटेम्प्ट होता है। ये आजादी और डेवलपमेंट और औरत के हुकूक, ये जो है यहां पर कहते हैं इस्लाम बहुत ऑर्थोडॉक्स मजहब है,
ये ना महरम है इनसे बात मत करो, वो महरम है उनसे बात कर सकते हो, ये सब ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। डेटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा रेप अटेम्प्ट करने वाले वो लोग होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से आशना होते हैं। सबसे कम फिगर उनका माना जाता है जो गैर होते हैं, जो कभी जिंदगी में ना मिले हों। इस्लाम पहले ही दीवार लगा देता है, आगे एक्सीडेंट होने वाला है, पहले ही 1 किलोमीटर पहले कहते हैं लेफ्ट टर्न अहेड, लेफ्ट टर्न अहेड, लेफ्ट टर्न अहेड, फिर 500 मीटर, फिर 400 मीटर। इस्लाम कहता है कि पहले रुक जाओ वगरना आगे जाके खाई में गिर जाओगे, पहले ही रुक जाओ। अच्छा, वहां पर ये सारी चीजें हैं। अच्छा, औरतों को आजादी, तवज्जो से सुनिएगा जाने गिरामी, औरतों को आजादी 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 कह के समाज की क्या हालत कर दी है वहां पर गौर करें। अमेरिका में 1970 में 40% फैमिलीज जो थी शादीशुदा थी, 2021 में सिर्फ 17% अमेरिका में फैमिलीज शादीशुदा हैं, फैमिलीज हैं, यानी 83% उनकी पॉपुलेशन के अंदर उनकी जो पॉपुलेशन है वहां पर 83% शादीशुदा नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यह होता है अज़ीज़ाने गिरामी के बच्चे या मां के पास पलते हैं या बाप के पास। सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा है। और जित क्योंकि खानदान में मां नहीं है, बाप नहीं है, माहौल नहीं है, प्यार नहीं है, खानदान नहीं है, मां के साथ बच्चा पल रहा है या बाप के साथ बच्चा पल रहा है, तो जितने अमेरिका के अंदर क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम कौन करते हैं? सिंगल पेरेंट वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में प्यार नहीं मिला, घर नहीं मिला, घर में प्यार तो दूर की बात, घर नहीं है। बस पूरा एक समाज बनाया गया जहां पर शादी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप है। हमारे यहां भी आई ना बीमारी, सब आई गया आहिस्ते आहिस्ते। हमें समझना होगा, अलर्ट रहना होगा क्या हो रहा है वहां पर। टोटल समाज डिस्ट्रॉय हो गया, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। यूरोप में हर फैमिली को महीने का 300 यूरो दिया जाता है बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग नहीं करते हैं। क्यों? मैं बच्चा क्यों पैदा करूं जबकि मुझे जिंदगी को एंजॉय करना है? बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी जिंदगी में कमिटमेंट आ जाएगा, मैं सैटरडे संडे घूमने नहीं जा सकती, एंजॉय नहीं कर सकती। ये है उनकी जिंदगी। रिजल्ट क्या है? तवज्जो से सुनिए, खुसूसन मैं नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। रिजल्ट क्या है? एक औरत को उसकी हुवियत, उसकी शख्सियत, उसके उसका शरफ, उसका कमाल, उसकी इज्जत से निकालकर उसे एक हैवान बना दिया गया। कहा तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि अपने जिस्म की ख्वाहिशों को सुबह से शाम तक पूरा करो। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट यह हुआ कि ये तमाम कंट्रीज के अंदर औरतों से जब पूछा गया कि क्या तुम खुश हो, अक्सर औरतें कहती हैं कि हम खुश नहीं हैं, सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब यूके में पूछा गया ख्वातीन से कि क्या तुम खुश हो, हर 3 में से 1 खातून कहती है कि नहीं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। हर 5 में से 3 खातून यूके में कहती है मैं अपने बॉडी इमेज में जिस तरीके से हूं मैं उसको लेके कंफर्टेबल नहीं हूं। पूरा समाज डिस्ट्रक्शन की तरफ, पूरा समाज, शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, औरतें डिप्रेशन का शिकार हैं। बच्चे नहीं होंगे तो आगे क्या होगा उस समाज का? मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे किए जा रहे हैं ताकि लोग शादी करें, बच्चे करें। अन्निकाह मिन सुन्नती रसूलल्लाह ने ये जो कहा था ये फर्दी चीज नहीं थी, समाजी चीज थी। जब समाज से ये खत्म हो जाता है तो समाज नाबूद हो जाता है।
बस अज़ीज़ान गिरामी, उनका समाज जो इस वक्त हालत पे है, वो हालत में बिल्कुल वाज़े तौर पर आपके सामने ये कह देना चाहता हूँ कि उनका समाज इस वक्त सिवाय इसके कि वो नीचे जा रहे हैं, उसके अलावा उनके समाज में कुछ नहीं है। और भी अगर वक्त होता तो मैं बयान करता। ये हद आ गई है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, इटली की प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में कहती है कि वेस्ट में और दुनिया के जो पैसे वाले सरमाएदार हैं, इन्होंने तीन चीजों पे हमला किया है। एक जेंडर यानी औरत के ऊपर, एक रिलीजन यानी दीन के ऊपर, और तीसरा कहती है फैमिली लाइफ के ऊपर। और कहती है ये तीनों चीजों को वो नाबूद कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये तीन चीज जब नाबूद होती है तो समाज में कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती, फिर वो जिसे जो चाहे जैसा चाहे वैसा बेच दें। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर को समझ में आ गई। बस अजीजाने गिरामी, हालात जो इंग्लैंड में, अमेरिका में हैं, वो बहुत बदतर हैं। आप खुद इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद रिसर्च करें इस टॉपिक के ऊपर, तो आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हालात हैं वहां पर। मैंने सिर्फ कुछ इशारे किए आपको। यूके में, इंग्लैंड में जब पूछा गया, लंदन में जो हमारे लिए जन्नत है, इंग्लैंड में पूछा गया खवातीन से कि बताओ तुम्हारे ऊपर जिंसी हमले कितने हुए हैं, तो 97% लड़कियों ने कहा कि हमारे ऊपर एक बार कम से कम जिंसी हमला हुआ है। आप तो कहते थे औरत आजाद है और कम कपड़े पहनती है तो मर्दों को वरगलाती नहीं है, मर्दों को कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या है? आप जो कहते हो और आपके समाज में जो नजर आता है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि खुदा ने जो कानून बनाया है वो कानून कामिल है, परफेक्ट है। जब भी इंसान खुदा के कानून के मुकाबले में अपना कानून बनाएगा, वो इंसान खुद को और पूरे समाज को नाबूदी के नजदीक ले जाएगा। आज अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका नाबूदी के करीब है। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा हूं, ये खुद यानी उन लोग तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि वो जमाना खत्म हो गया कि अमेरिका दादागिरी करता था, अब जाके बोल देगा और ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अब खत्म हो गई बात। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ाने गिरामी, तो रोल मॉडल की बात हो रही थी यहां पर। मैं आपके सामने सिर्फ ये चीज साबित करना चाह रहा हूं कि जो वेस्ट के औरत का मॉडल है वो मॉडल फॉल्स मॉडल है, वो मॉडल गंदा मॉडल है, बेहया मॉडल है, बेगैरत मॉडल है और फेल्ड मॉडल है। यानी पिछले 30-40 सालों में उनकी कंट्री के अंदर अगर आप मुतालिया करेंगे तो आपके लिए वाज़े हो जाएगा कि उनके समाज में खुद वो मॉडल फेल हो गया है। अब वहां पर जॉर्डन पीटरसन जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आके डिबेट करते हैं कि फेमिनिज्म इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, ये कहते हैं। यानी उनकी सोसाइटी में जाके कहते हैं फेमिनिज्म हर प्रॉब्लम का हमारी जड़ है। क्यों? फेमिनिज्म की वजह से औरतें जो हैं फैमिली नहीं हो रही है, क्राइम इस वजह से क्योंकि औरतें खानदान नहीं बना रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे तो कंट्री का फ्यूचर नहीं होगा। औरतों के अंदर जो एक चीज थी पहले, मर्दों के अंदर गैरत होती थी कि औरत जो मेरी है वो किसी और के साथ ना जाए, उसको खत्म कर दिया। मर्दों से गैरत खत्म हो गई, औरतों से गैरत खत्म हो गई, तो समाज में क्या होगा? सुकून तो नहीं होगा। तो बस अज़ीज़ाने गिरामी, आपके सामने बस ये चीज बयान करना था कि वेस्ट का जो मॉडल है, हमारी बहनें कभी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जाएं तो वो लड़कियां जिन्होंने लिबास को उतार दिया है, अपने जिस्म को दिखा रही हैं, कभी अपने आप को उनसे इंफीरियर और कमतर ना समझें, क्योंकि वो अंधी चाल चल रही हैं, खुद से नहीं सोच रही हैं, वेस्ट को फॉलो कर रही हैं। और वेस्ट को फॉलो करना यानी उनकी खुद की नाबूदी है। आप जिसको फॉलो कर रही हैं वो हजरत जहरा हैं। हजरत जहरा जो हैं, हजरत जहरा आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं, ना इस जमाने के लिए बल्कि हर जमाने के लिए। कभी भी अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील ना करें,
लेकिन जहां जाएं इस तरीके से जाएं कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, स्टैट्स हो, भरे हुए हो, सामने वाला पूछे तो फट जाओ। वो सोचे काश मैंने नहीं पूछा होता। इतना इल्म भर के जाओ कि वो अगली बार सवाल करने से पहले सोचे कि मैं इसे बहाना तो नहीं दे रही हूं 100 लोगों को और हिजाब की तबलीग करने का। मैंने हर रोज दुआ में एक जुमला पढ़ा है अज़्ज़ाने गिरामी, खुसूसन ख़वातीन के लिए, खुदाया हमारी बहनों को चादर की तबलीग करने की तौफीक दे। मैंने ये नहीं कहा कि चादर को महफूज रखें, क्योंकि हमारी ख़वातीन चादर को महफूज रखना जानती हैं, क्योंकि जहरा की मानने वाली हैं। बस अभी हमें उन्हें सिखाना है कि किस तरीके से चादर की तबलीग की जाए। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जो सवाल है वो ये है, क्या मर्द और औरत एक बराबर हैं या नहीं है? इसके तीन जवाब हैं। वो बात ख़त्म करके कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल गुफ्तगू करूँगा मैं कि किस तरीके से एक औरत की खानवादी ज़िंदगी, एक फैमिली लाइफ, और हज़रत ज़हरा उसके लिए रोल मॉडल इंशाअल्लाह, और हमारी शादी का जो प्रॉब्लम है, शादियों का सीज़न भी है, लेकिन कोई भी शादी ऐसी नहीं हो रही है जैसी हजरत जहरा और मौला अली की होती थी। हमने शादी के लिए रोल मॉडल किसको बनाया? कभी शर्मा जी को और कभी त्रिपाठी जी को। हमने उनकी तरह शादी की है ना, स्टेज भी उनकी तरह लगा रहे हैं, खाना भी उनकी तरह लगा रहे हैं। जो अहले बैत ने तालीम दी थी उसको तो हमने रोल मॉडल नहीं बनाया। वहां पर सिर्फ स्टेज, कल मैंने बताया था, स्टेज पे खाली लेबल लगा देते हैं हम लोग, बस लेबल लगा के हम लोगों को लगता है हमारा माल दीनी हो गया है। लेबल लगाने से अंदर का माल चेंज नहीं होता। अंदर चेंज करोगे तो लेबल लगाओ या ना लगाओ, लोगों को खुद पता चल जाएगा। बस अज़ीज़ाने गिरामी, तीन चीजें हैं जो आपके सामने अर्ज करना है। मैंने पहले अर्ज कर दिया, ये बता दिया आपके सामने, खुसूसन हमारी बहनों के सामने, कि वेस्ट को फॉलो ना करें, टोटल फेलियर है, टोटल। खुद आप रिसर्च भी करें, हाउ फेमिनिज्म हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन अमेरिका, द इफेक्ट ऑफ फेमिनिज्म ऑन फैमिली लाइफ, द इफेक्ट ऑफ फेमिनिज्म ऑन क्राइम्स इन अमेरिका, द इफेक्ट ऑफ फेमिनिज्म इन यूरोप, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, ये सब सर्च करें, आपको खुद मिल जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन। तवज्जो कीजिए, अब इस्लाम का क्या जवाब है? इस्लाम में तीन जवाब हैं, क्या मर्द और औरत इक्वल हैं या नहीं है। पहला जवाब, औरत और मर्द इंसान होने के लिहाज से इक्वल हैं। मर्द और औरत इंसान होने के लिहाज से इक्वल, यानी खुदा ने कहा कद अफलाहा मन ज़क्काहा, खुदा ने कहा कि मर्द और औरत के लिए कामयाबी का मियार क्या है? तज़किए नफ्स। ये तज़किए नफ्स जो है वो दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। बहुत सारे हुकूक मर्द और औरत के इक्वल हैं, मिसाल के तौर पर हक़ हयात, औरत को भी हक़ हयात है, मर्द को भी हक़ हयात है, द राइट टू लाइफ। कोई ये नहीं कह सकता तुम औरत हो तो तुमको हक़ हयात नहीं है, मार दो जान से। हक इंसान के रिस्पेक्ट और ऑनर का, शरफ का। खुदा कुरान में कहता लकद करमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को करामत बख्शी, मैंने बनी आदम को करामत बख्शी, यानी करामत में मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। हक तालीम, क्या कहा खुदा ने, नबी ने क्या कहा, दोनों के लिए वाजिब है इल्म का हासिल करना, मर्द और औरत दोनों के लिए। इसी तरीके से कई हुकूक हैं इस्लाम में जहां मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मर्द और औरत इक्वल हैं। तवज्जो कीजिएगा, हुकूक बहुत सारे इक्वल हैं, लेकिन मर्द बायोलॉजिकली औरत से मुतफावित है, जुदा है। मर्द ताकत ज्यादा है, औरत में इमोशन ज्यादा है। मर्द अलग है, औरत अलग है।
हम नहीं मानते कि इक्वल हैं। कुछ हुकूक मर्दों के और औरतों के इक्वल हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर औरतें मर्दों से सुपीरियर हैं। मां का रुतबा जो है वो बाप का रुतबे के बराबर नहीं है, बालातर है। क्या कहा रसूल ने कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। किसी साहबी ने आके पूछा, मैं अपने घर वालों की खिदमत करना चाहता हूं, किसकी खिदमत करूं? तो रसूल ने कहा मां की। कहा फिर किसकी? तो कहा फिर मां की। कहा फिर किसकी? तो कहा फिर मां की। फिर चौथी बार कहा बाप की। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का एहतराम नहीं है, लेकिन मां को जो, क्योंकि मां ने पेट में रखी है, पाली है। रिवायत है कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है और वो दर्द सहती है, उसको वही सवाब लिखा जाता है जो एक शहीद मैदान में खून बहाता है, उसे वो सवाब लिखा जाता है। दर्द सहती है मां। बस कुछ एरियाज हैं जहां पर औरतें मर्दों से सुपीरियर हैं, अफजल हैं, और कुछ जगह हैं जहां पर खुदा ने कुरान में कहा है अर्रिजाल कवामून अलन्निसा, मर्द औरतों के सरपरस्त हैं। क्यों शर्माएं हम? जो सिस्टम ने औरतों को सरपरस्त बनाया था वो सिस्टम नाबूद हो रहा है। मौलाना आपका रिलीजन बहुत ऑर्थोडॉक्स है ना, आप लोग जो हैं औरतों को तलाक का राइट नहीं देते हैं। अमेरिका में जो तलाक के केसेस फाइल होते हैं 80% से ज्यादा तलाक औरतें इकदाम करती हैं, और अगर औरतें ग्रेजुएट हों तो 90% से ज्यादा औरतें इकदाम करती हैं। क्यों? इमोशंस हावी होते हैं, इमोशंस की बुनियाद पर बड़े फैसले करते हैं। वो मर्द जो इस्लामिक सिस्टम को अब्यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लानत के हकदार हैं। वो, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस्लाम ने जो हक दिया है वो इंसान की कमाल और इंसान की फहम के हिसाब से दिया है। औरत इमोशनल होती है, औरत इमोशनल डिसीजन लेती है, मर्द रैशनल डिसीजन लेता है, अकली फैसले करता है। और कहा तुम दोनों भी नहीं, खानदान को इन्वॉल्व करो, बड़ों को इन्वॉल्व करो। इस्लाम रैशनैलिटी की तरफ, अकलानियत की तरफ दावत देता है। लेकिन वो समाज जहां पर एवरीबॉडी इज इक्वल, इक्वल में क्या हुआ? गायब हो गए सारे इक्वल करते करते, ना खुद रहे ना वो रहे। खूब, तो अर्रिजाल कवामून अलन्निसा, इस्लाम ने जो सिस्टम ऑफ लीडरशिप दिया है, लीडरशिप मर्दों के हाथ में है, घर की। औरतें मशवरा दें, औरतों को मशवरों में शामिल करें, अगर उनके मशवरे मंतिकी हैं, अकली हैं, अच्छे हैं, तो उन्हें कबूल करें मर्द, ईगो ना लेके आए बीच में। लेकिन फैसला कौन करेगा? मर्द करेगा। अर्रिजाल कवामून अलन्निसा, खुदा ने यह सिस्टम बनाया। मैंने पहले कहा इसलिए यह सिस्टम है क्योंकि जिम्मेदारी भी मर्द की ज्यादा है, हुकूक भी मर्द की ज्यादा है। कल औरत कहे मुझे खाना नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे आप? नहीं कहेगी हमारी खवातीन माशाल्लाह उनके अंदर रहमत बहुत ज्यादा है कि वह ऐसी बातें करें, वगरना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप पर रहम कर रही हैं, एहसान कर रही हैं खाना बना के। आपकी जिम्मेदारी थी नानो नफका पहुंचाना। औरत को हमारे यहां एक शरफ, बाशरफ, बाइज्जत, बावकार एक शख्सियत माना जाता है। बस अजीजाने गिरामी, लेकिन अर्रिजाल कवामून अलन्निसा, जो सिस्टम खुदा ने बनाया है, जैसे कार चला रहे हैं, कार दो ड्राइवर मिलके नहीं चला सकते, चला सकते हैं दो ड्राइवर मिलके, एक हाथ इधर से पकड़े इधर से पकड़े, दोनों मिलके चलाएं, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। एक चलाता है, एक मैप देख के बताता है, एक मशवरा देता है, एक चलाता है। इस्लाम ने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम ये है कि मर्द के पास विलायत है। अच्छा, ये मर्दों को विलायत मर्द ने नहीं दी है, खुदा ने दी है। मर्दों को विलायत अल्लाह ने दी है,
बीबी इतनी अजीम व शान मंजिलत पे होने के बावजूद अपने आखिरी दिनों में पूछती हैं, क्या मेरे शौहर, क्या मेरे वली तुम मुझसे राजी हो? यानी जो सिस्टम खुदा ने दिया है, अर्रिजाल कवामून अलन निसा। बस अज़ीज़ाने गिरामी, फेमिनिज्म के धोखे में ना आए। रोल मॉडल आइडियल हमारे लिए बीबी हैं, बीबी की जात है, चाहे वो बीबी का अपियरेंस हो। बीबी ने अपियरेंस का बताया है कि हमारे को बारबी की जरूरत नहीं है, हमारी खातून खुद जब चादर में आती है तो वो बारबी से ज्यादा अफजल नजर आती है। हमें किरदार किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बीबी वो साहिब किरदार हैं जो औरतों को सिखाती हैं कि दुनिया जब खुद गर्जी की बात करे तो तुम ईसार की बात करो, क्योंकि तुम मेरी मानने वाली हो। अखलाक में, किरदार में, जाहिर में, शख्सियत में, मंतिक में, आइडियोलॉजी में, तफक्कुर में, फिक्र में बीबी की जात। औरतों को खुदा ने हक दिया है कि औरतें समाज में पॉजिटिव रोल प्ले करें, औरतों को खुदा ने हक दिया है। आयतुल्ला खामिनाई कहते हैं कि अपनी औरतों को इसलिए एजुकेशन से दूर ना रखें क्योंकि तुम्हारे अंदर दीनी तासुब है, अगर तुम ये काम को अंजाम दे रहे हो तो यह काम जायज नहीं है। आयतुल्ला खामिनाई कहते हैं, आयतुल्ला सीस्तानी का भी एक खत है जिसमें आयतुल्ला सीस्तानी ने ख्वातीन के सिलसिले में कहा है कि वो आगे बढ़ें। आयतुल्ला खामिनाई कहते हैं, औरतें जो हैं वो इल्म में, इज्तिमाइयात में, हत्ता सियासत में, हिंदुस्तान की फिलहाल नहीं है लेकिन उनकी कंट्री में, इक्तिसाद में, हर फील्ड में औरत आगे बढ़ सकती है। तीन चीजों की शर्त है औरतों को। पहला, जब तुम घर से बाहर निकल रही हो, कॉलेज जा रही हो, यूनिवर्सिटी जा रही हो, जॉब पे जा रही हो, पहली शर्त यह है कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी इज्जत पाक दामनी का ख्याल रख सको। अगर तुम्हें इस बात का खतरा है कि तुम्हारी इज्जत और पाक दामनी महफूज नहीं रहेगी तो औरत के लिए जायज नहीं है बाहर जाना। दूसरा, औरत वो फील्ड चूज करे जो औरत की जात और उसकी शख्सियत और उसकी इज्जत और वकार के मुतनासिब हो, उसके लेवल पर हो। औरत छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं बनी है। मर्द बैठे हैं, औरत खाना ला के दे रही है, औरत इसलिए नहीं बनी है। ना महरम मर्दों को होटल में जाके वो वेटर बने, खुदा ना करे। औरत अपनी शान और मंजिलत के मुताबिक अपना करियर चूज करे। तीसरी चीज औरतों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयतुल्ला खामिनाई बयान करते हैं शर्त एक तकरीर में। तीसरी चीज कहते हैं कि औरतों के लिए जरूरी है कि जब वो इंशाल्लाह खुदा करे कि आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने, हमारी बहनें, आप हिंदुस्तान की टॉप आईआईटी में, टॉप आईआईएम से आप टॉप करें, हिंदुस्तान के हमें हर जगह टॉप जब हम देखें तो हमें हिजाब वाली खवातीन नजर आए इंशाल्लाह। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो मौका आए कि आपको ऐसा लगे कि मेरा जॉब मेरी फैमिली लाइफ के ऊपर असर डाल रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली लाइफ है। आपके लिए बच्चों की तरबियत से बेहतर और आला कोई दुनिया का जॉब नहीं हो सकता। बस तीन शर्तें हैं। अगर ये तीन शर्तें औरतें अगर अपनी जिंदगी में, हमारी बहनें इन तीन शर्तों को महफूज रखें, आप आगे बढ़ें, हर मैदान में आगे बढ़ें। दीन ने आपको इजाजत दी है, उलमा ने आपको इजाजत दी है, मरजियत ने आपको इजाजत दी है। जो रोकते हैं वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो दीनदार नहीं होते, वो रुसुमात के मानने वाले होते हैं, दीन के मानने वाले नहीं होते। अपनी बच्चियों को पढ़ाएं,
लेकिन बच्चियां भी ये सोचें कि हमारे लिए वेस्ट रोल मॉडल नहीं है, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वेस्ट बोल रहा है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आयतुल्ला खामेनाई या आयतुल्ला सीस्तानी मुझसे बोल रहे हैं पढ़ने के। बस अज़ीज़ाने गिरामी, बस ये गुफ्तगू आज यहां तक पहुंची है, कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फैमिली लाइफ के हवाले से और शादी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अहले बैत की, क्योंकि वहां का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, शादियां नहीं हो रही, सब कुछ डिस्ट्रक्शन, बस हमें उन्हें नहीं फॉलो करना, हमें अहले बैत को फॉलो करना है। तो कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कि अहले बैत को फॉलो करते हुए कैसे हम एक आइडियल फैमिली बनाएं, आइडियल फैमिली बनाने का क्या सिस्टम है। अज़ीज़ाने गिरामी, आइडियल फैमिली में अज़ीज़ाने गिरामी, एक मां होती है और जो मां होती है वो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती है। मां के लिए दुनिया की हर शय जुदा है और बच्चे की मोहब्बत जुदा है। अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी। जो अय्याम गुजर रहे ना अज़ीज़ाने गिरामी, ये वही अय्याम हैं जब बीबी का दर्द बहुत शदीद हो चुका था। इमाम ज़मानों को पुरसा देना है, कुछ ही दिन के लिए बीबी इस दुनिया में है, फिर इस दुनिया से बीबी चली जाएंगी। लेकिन जब बीबी को दर्द होता था तो बीबी अली से छुपाती थी, बीबी बच्चों से छुपाती थी, और बाबे ऐसा हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी बीबी। बस जब इमाम ने गुस्ल दिया और गुस्ल दिया तो जोर से चीखे, मौला या जहरा कौन कौन से गम छुपाए थे मुझसे, पसलियां टूटी थी जहरा की। अरे इमाम को पुरसा दे उस बीबी का जिसकी पसलियां भी टूटी हो, जिसकी तुर्बत भी टूटी है। अरबाबे ऐसा बस तसव्वुर करें कि एक बीबी है जो ताबूत में है, छोटे छोटे बच्चे आखिरी बार अपनी मां को देख रहे हैं। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, तसव्वुर करें। अरे हुसैन और हसन, ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैसे जिंदा रहेंगी जहरा के बगैर। हर एक जहरा से रुखसत होने आया लेकिन एक बच्चा खड़ा रहा, जहरा से रुखसत ना हुआ, कहा अम्मा हमेशा तुम बुलाती थी अम्मा, मैं तब तक ना आऊंगा जब तक मुझे ना बुलाओ। अरे कफन के बंद टूटे, जहरा ने कहा आजा मेरे लाल। अरबाबे ऐसा ये मंजर शायद तारीख ने एक बार दोबारा दिखाया, जब हुसैन संभलना चाह रहे थे, अजब नहीं आवाज दी या जहरा, घोड़े से जमीन पर नहाए कि जहरा के आगोश में आ गए हुसैन। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद, सीरत जहरा को समझने की उस राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हमें वेस्टर्न दुनिया की गंदगी और उनकी हकीकत को हमारे आंखों के सामने आश्कार कर दे।
या अल्लाह हमें सीरत अहल बैत को समझने की उस राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हक मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुआ में दुआ ये है कि वक्त के इमाम के जहूर में ताजील फरमा। अज़ान गिरामी, एक अनाउंसमेंट ये है कि कल इंशाअल्लाह साढ़े शायद सवा आठ बजे कल रात को 8 बजे मजलिस से पहले आधा घंटे का एक वीडियो है खुतबे हज़रत फ़ातिमा जहरा, जो खुतबे फदक है, उसमें बीबी ने क्या खुतबा बयान किया था, एक वीडियो है वो लगाया जाएगा 8 से 8:30, और फिर उसके बाद एक सलाम, फिर उसके बाद मजलिस शुरू होगी। तो जो हज़रत बीबी का खुतबा सुनना चाहता है वो कल इंशाअल्लाह 8 बजे आ जाए। खुदा अब हक मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला सहाबिल हुसैन जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।